हेलो, गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। मेरी आवाज़ आ रही है? शेयर करना पड़ेगा ना यहाँ से। बोले हेलो ऐश्वर्या। हेलो, गुड मॉर्निंग ऐश्वर्या। मेरी आवाज़ आ रही है? वी आर नॉट ऑडिबल ना। हमारे यहाँ तो ट्रांसफर हो गया। वर्मा जी, मैं वर्मा जी, एम आई ऑडिबल? हाँ, शिल्वर आ रही है, मेरी आवाज आ रही है। राइट हाँ ऐश्वर्या, आपकी आवाज आ रही है। यू आर विजिबल ऑल्सो। राइट राइट। अच्छा ऐश्वर्या, आपको वो शेयर का ऑप्शन दिख रहा है क्या नीचे? हाँ हाँ, जस्ट अ मिनट जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग। क्रोम हाँ श्योर, इट्स विजिबल, वी कैन सी द प्रेजेंटेशन। तैयार नहीं है। समस्या है ये तो, क्या हो रहा मीटिंग में तो दिख रहा होगा, है? हैंग हो गया। हैंग ही हो गया क्या? ठीक है, बट हाँ ठीक है, प्रेजेंटेशन इसको वन करेंगे। कहीं हैंग हो रहा है। स्लो है क्या? जस्ट मेरे ख्याल से ठीक है, ठीक है, चलेगा। फिलवत कैन आई स्टार्ट? ऐश्वर्या, आई जस्ट जस्ट गिव मी अ कपल ऑफ मिनट्स टू इंट्रोड्यूस यू टू दी पार्टिसिपेंट्स, देन वी विल स्टार्ट। या ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, डियर पार्टिसिपेंट्स, एंड एट दिस आउटसेट आई वुड लाइक टू फर्स्ट वेलकम, इट इज आवर प्रिविलेज टू हैव अमंगस्ट अस श्री ऐश्वर्या सचान, हु इज करंटली पोस्टेड एज सीनियर डीएमई ट्रेन सेट एट शगुर बस्ती शेड। श्री ऐश्वर्य सचान इज एन आईआरएसमी ऑफिसर ऑफ 2010 बैच, एंड ही हैज बीन पोस्टेड इन वेरियस कैपेसिटीज ओवर नॉर्दर्न रेलवेज। ही हैज बीन पोस्टेड इन डेमू शेड एट बडगाम, विच इज अ वेरी क्रिटिकल पोस्टिंग, वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल पोस्टिंग ऑफ नॉर्दर्न रेलवेज, एंड ही हैज बीन पोस्टेड इन नॉर्दर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स ऑल्सो। ही हैज बीन पोस्टेड करंटली ही इज पोस्टेड एट शगुर बस्ती ऑल्सो। सो एंड एट शगुर बस्ती आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट responsibilities, or we can say one of the most important activities which currently they are carrying out is the maintenance of the Vande Bharat Express, which is nothing but the train 18 rake which we were talking about in this particular course. So and I think Shagubasti Basti Depot currently is the only depot, is the only shed or the only depot which is maintaining this particular Vande Bharat Express. So हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो दे आई थिंक दे वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट व्हाट काइंड ऑफ मेंटेनेंस चैलेंजेस शगु बस्ती शेड इज फेसिंग, एंड बिकॉज इन द नियर फ्यूचर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट देर विल बी वाइड वाइड स्प्रेड प्रोलिफरेशन ऑफ दिस वंदे भारत एक्सप्रेस ऑल अक्रॉस इंडियन रेलवेज एज पर द विजन ऑफ आवर ऑनरेबल एमआर एंड इवन आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम आई वुड रिक्वेस्ट ऐश्वर्य टू स्टार्ट विद दिस सेशन। ऐश्वर्य, ये जो हमारा कोर्स है ये ट्रेन सेट के ऊपर कोर्स है, और इस कोर्स में टोटल 45 पार्टिसिपेंट्स हैं, जिसमें से देर आर 12 ऑफिसर्स
and the remaining 30, around 30, 32 are supervisors from various various divisions, various zonal railways, including Northern Railway से भी काफी बड़ी contingent आई है. अभी वो इर्मी में ही है, हमारे इर्मी न्यू ऑडिटोरियम में आपका स्क्रीन प्रोजेक्ट हो रहा है एंड दे आर वॉचिंग यू ऑल्सो. सो यू कैन स्टार्ट विद द सेशन. Thank you very much, Shilbad. That was a really warm welcome. And apologies from my side that I couldn't able to come over there at IRMI. I wanted to, but fortunately, the Shakur Basti will be the first trainset depot, complete trainset depot also of the Indian Railways, full-fledged. For that work, I am stuck over here, quite stuck. But as Shilbad has asked me to deliver a lecture, so here we can start with the lecture. And I hope majority of the things have already been covered in this course. I'll just start with and tell you all the, what are the maintenance issues that we are facing and what needs to be done in additional to the CNW things that we are doing over in the depots. So I'll just start with the PPT. Whatever are the issues, you just note it down and we can have a question answer session in the last. Like all of you must be knowing that train 18 is a basic, is not like a coach. It's a train set which consists of four basic units having 16 coaches. The present scenario is of 16 coaches, but in the future, I hope it will proliferate for 20 coaches or 24 coaches. So basically it's a consist of four basic units. The first basic unit is a DTC driving trailer car. Then a motor coach, then a trailer coach. Basically, this is having the pantograph configuration and then again a motor coach. This is a consist for first and the last basic units and two basic units in the middle, which we call it as a NDTC, then MC, then TC, then again MC. All this is the first rolling stock of Indian Railways having all the components, all the power components on the underslung part. Like line and traction converters, auxiliary converters, air compressors, battery box, battery charger, brake chopper resistors, or are mounted under frame. The electronics part, the computer parts are located in the various end units of the coaches. The basic computers for the particular coaches are installed in the upper frame, but all the other equipments are in the under frame only. This is the particular rake formation. Like I have told you, one is end basic unit, then the middle basic unit, then again a middle basic unit and the end basic unit. The last end basic unit is different from the first basic unit in the capacity that it is just reversed. It is attached in 180 degree. So this means what I'm saying is 180 degree means ki if this is moving in a forward direction, kind of this is moving in a reverse direction, traction motors. This has been done for completion of the electrical loop. These are some of the basic designs of the train set. This is the first driving coach, DTC that we call it, driving trailer coach. This is a driver, this is a driving unit. After that, this is a passenger unit. This consists of 44 seats over there. This driving unit is having this driving unit is completely air conditioned, having one small air conditioner over here and two air conditioner units of 8 ton each capacity over there on the roof for the passenger unit area. This DTC is having the battery charger, the main compressor unit over on their underslung unit. This is a top view of the first driving trailer coach. And this is one of the features that is not available in other trains. Like this, we have made an eco disabled friendly toilet over there in the first and the last consist. For that, we have one extra seat over there for the companion and a space for the wheelchair also. The toilet has been made in that capacity that this wheelchair can easily go inside this and it's disabled user friendly. And this coach is having only one washroom.
in the newer rakes that we are planning with and discussion with the ICF, now the escorting team has to go inside to the driver cabin if there's any issue which creates a hindrance for the driver. So now what we are planning and have asked the ICF to have a similar console only for the viewing over there at this location, particular location, to have an engineer's cubicle kind of thing, where the complete replica of this driver display unit will be there. And from there, the engineers can assess what is the issue and what is the problem. So they don't have to disturb and go inside the driver's cabin. That frequently happens over there in some issues. This is a second coach. More or less the same configuration, but this is a motor coach. So there are two traction converters, the line and traction converters. This is a bogie controlled traction converters. So for one bogie, there's one traction converter. For another, there's another traction converter. We call it a left hand side and right hand side traction converters. These are there on the motor coach. And the seating capacity is 78. Similar as in the DTC, we have a HVAC of 8 tons over there, 2 HVAC of 8 tons. In the end, you must be seeing that these are the gangways. These are the gangways used if one has traveled in the metros, like exactly the same. These are completely sealed gangways, dustproof gangways. There's no dust, and there are the wider gangways for the easy access of men and material. And you won't be feeling that you are going from one coast to another. When you are moving from one coast to another, you won't be having a feel that you are moving from one coast to another. Completely sealed gangways are there. This is a third coach consists of, this is the first coach from where we receive the power from the OHE, catenary wire. The pantograph is in this coach. Pantograph VCB is in this coach. From there, the ST line comes over there to transformer, directly to the primary side of the transformer. Transformer is over in this coach. The auxiliary converters are in this coach. Auxiliary converter module is in this coach. From where we are feeding the 415 supply to the HVAC for another pantry equipments, for other charging sockets also, and 110 supply to other for CCTVs and PIS system, etc. Other things are exactly the same. 78 seats consist of 78. One side is pantry in each coach, and one side are the washrooms in each coach. So basically, unlike from the LHB coaches, which are having four washrooms, the train set is having two washrooms per coach. This is a basic specification of the Trinitine. Four car per BU, DTC, MC, TC, MC. These are the end basic unit. And the middle basic unit is NDTC, MC, TC and MC. And train is a consist of 16 coaches. That is four basic units per train. So as you can also analyze from this, the consist that I have told you, that every alternate coach is a motor coach. So there is 50% motoring in this coach. Per motor is 252 kilowatt. And the total tractive effort of the train is 800 kilonewton. And total horsepower comes around 10,100 horsepower. And maximum speed testing that we have achieved is 182, but according to our design, the required was 176. Maximum service speed is 160, but we are not operating at 160 because the track doesn't permit it over there for 160. We are operating at a maximum speed of 130, and some locations we are operating at 110. The peculiar feature that is making it apart from other is the average acceleration. Average acceleration is 0.8 meter per second square, and deceleration is also the same. So average acceleration and the deceleration is quite fast. So the time makeup thing is it achieves very quickly. So delay is not there. The jerk rate is the average acceleration is the jerk rate.
it's 0.7 meter per second cube for this train, and the ambient temperature ranges for various sub-assemblies is minus 5 to 50 degrees Celsius. These are basically the design features of this train. Now we can come and discuss the train control. This is a basic, this is the main control system, the train control and the management system. This consists of interface with the driver desk. Driver gives commands and have an interface from this this system only. This is having the pantograph control. Right now we are four pantographs, one in each basic unit. But we can drive it in only two modes, either 1-4 consist or 2-3 consist. So which pantograph has to be operated, it's decided on the by TCMS on the command basis. Then the VCB control during a neutral section and all. Traction control means traction demand. This is also controlled by TCMS. Regenerative braking and total brake calculation. Regenerative braking control and total brake calculation. This is quite a unique feature and quite a good feature for this train, that mostly we use this regenerative braking. We don't have to go for a friction braking. So the command, the demand supply for the regenerative braking and the friction braking is decided by the TCMS only, which is brake bending. This is also done by TCMS. Then the interface with the RMPU control. We can switch on and switch off all the RMPUs using this TCMS, but we cannot control the temperature and the individual settings of the RMPUs. For that, we have to go to the individual coach. Interface with the door control. Door control unit. This is also controlled by TCMS. For closing and opening of the door control. The buttons are there on the ALP side. During the closing of the door, a 3-second pulse is given and the announcement goes on ki doors are closing. After 3-second pulse, doors will close. And for opening, you have to press the button for opening 2 times for 3 seconds, then the doors will open, and decided on the side where the platform is there, ki whether we have to open the left door or whether we have to open the right door. That is being decided by the guard, ki which side door has to be opened. Until the time door is opened, the traction will be cut off. That is a peculiar feature, that door control is linked with the traction. This I have already told you, interface with the brake control system, like the brake demands for the EP and the ED. The first priority is for the eddy braking, and then there's the EP braking. Then the compressor control is decided by TCMS. There are 4 compressors, but at a time 2 compressors are working, main air compressors. So duty cycle is already defined. So which compressor is to switch off and which compressor is to switch on is also decided by the TCMS. Then parking brake control is also decided by, controlled and governed by this train control and management system. There are 3 options for this parking brake application. If MR goes below 3.5, then parking brake is automatically applied. There is one switch also for the parking brake application. With that, we can apply the parking brake. And another is ki cab deoccupy. The key is there. And if you switch off that, cab is deoccupied, parking brake is automatically engaged. Parking brake is provided in each and every axle. Braking caliper out of 2 braking calipers. One is parking brake caliper. Light control is also by this as this is one good feature of this train, that is rollback detection. This prevents the rollback of the trains, which sometimes happen in the yards and all, when proper wedging and all is not being provided in the rakes. So this is a rollback detection. If we have a move, the master controller is on the forward side and train starts to roll down on the other side. So it automatically detects and applies the emergency braking.
it detects ki it is rolling down and it will apply the emergency brake as immediately. Second is the vigilance control, it's a VCD. Then is a cruise control, as many of you have seen in the electric locomotives also, and it is applied beyond 5 km/h, and it is having a plus minus 3 km/h efficiency. That if you press a cruise at 130, so it will just go on 127 to 123. Then neutral section control. When the neutral section comes in, you have to just press one of the buttons. So VCB will be open, and as soon as the neutral section covers, VCB will be automatically closed. There are different test modes for testing different equipments that is also available in this TCMS. There, but for entering into the test mode, the speed should be lesser than 15 km/h. Otherwise, you cannot enter into a test mode. There are various settings also available in the DDU, like settings for the overriding of the EP brake and isolation of the bogie. These kind of settings also, these can also be entered only when the speed is lesser than 15 km/h. Then event recording is there. Every event is recorded in the TCMS system. These events are also recorded on the REMLOT system that is being continuously monitored by our staff in the shed. So whenever any fault is being logged, we immediately inform the escorting team in the train that this has come in, you have to check over there. Then these are three train level protection that EOL, EBL and BL. EOL is emergency off loop. This is basically a loop, electrical loop. If there is any breakage in the ST line of the train, high tension line, agar koi bhi wire iska break hoga, to emergency off loop open ho jayega, or immediately the VCBs will be open and the pantos will be down. Iska ek switch bhi de rakha hai. There's one switch over there on the driver desk. Agar aapko dikhta hai ki beech samne OHE mein koi breakage hai ya OHE mein koi fault aapko dikh raha hai, immediately you will the driver will press this switch and emergency off loop se VCB open ho jayenge and pantos will be down. Second one is EBL, emergency brake loop. Har ek brake control unit mein emergency brake ka jo valve laga hua hai wo normally charged rehta hai, high active rehta hai. Agar ye isme breakage agar ho gaya, बीच में अगर इसको सिग्नल ऑफ हो गया, कहीं भी अगर इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है, तो ये इमीडिएटली इमरजेंसी ब्रेक विल बी अप्लाइड एंड ट्रैक्शन विल बी कट ऑफ. दिस विल डिटेक्ट कि इमरजेंसी ब्रेकिंग इज ओवर देयर. देन देयर इज अ ब्रेक अप्लाइड लूप. इफ इट देयर आर ब्रेक सिलेंडर्स ऑन एवरी एक्सल, इफ इट डिटेक्ट्स देयर इज अ प्रेशर इन द एनी ऑफ द ब्रेक सिलेंडर, इमीडिएटली इट विल अप्लाई द ब्रेक एंड इट विल प्रोहिबिट द ट्रैक्शन. So these are three of the important loops that are provided in the train to prevent any of the eventuality. Now we can discuss the communication network that is basically provided on the train. As you could see, this is consist of one of the basic unit. First is DTC, motor coach one. Then TC coach one, then is a motor coach two. The main communication amongst the coaches, amongst the different coaches, is Ethernet network. One is main computer and another is redundant computer that you can see in the green lines over there. This one is the main computer and another one is redundant computer, like this. The train line signal goes from the driver desk to the another driver desk and it comes back to the disk driver desk, completing the loop. And there are two loops for this. One is main loop and another is the redundant loop. Right. So that I have told you that Ethernet network, Ethernet consists network. This is basically communicating amongst the coaches of one basic unit. But to communicate with the another basic unit, you have to have a different network. That is ETB, Ethernet train backbone. Ethernet train backbone is ये last वाला जो TC है आपका,
टीसी के थ्रू दिस इज कनेक्टेड, और ये भी आपका पूरे सारे बेसिक यूनिट्स को के थ्रू, वन इज मेन एंड अनदर इज रिडंडेंट, ये लगातार चलता रहता है। उसके बाद अगर आप यहां देखेंगे, दिस इज अ ड्राइवर डेस्क, दिस इज सीसीयू वन एंड दिस इज सीसीयू टू। सीसीयू वन एंड सीसीयू टू आर द मेन कंप्यूटर्स फॉर विच मेन कंप्यूटर फॉर द फुल ट्रेन्स, राइट? सो दीज आर द मेन कंप्यूटर फॉर द फुल ट्रेन। दिस इज मोटर कोच वन कंप्यूटर, मोटर कोच इसका रिडंडेंट है ये। इसी तरीके से ईपीसीयू, एनहांस पैसेंजर कंफर्ट यूनिट, इसका नाम दे रखा है, दिस इज वर्किंग एग्जैक्टली अ सेम। ये टीसी का कंप्यूटर नेटवर्क है, दिस इज अगेन अ मोटर कोच कंप्यूटर नेटवर्क। दिस इज सीसीयू इज फुल कोच, दिस इज पीसीयू वन एंड पीसीयू वन आर, दीज आर द कंप्यूटर नेटवर्क फॉर दिस डीटीसी। सो सीसीयू इज सेंट्रल कंट्रोल यूनिट फॉर द फुल ट्रेन नेटवर्क, दिस इज फॉर दिस पर्टिकुलर कोच, दिस इज फॉर द मोटर कोच, दिस इज फॉर दिस कोच द टीसी कोच, एंड दिस इज अगेन फॉर द मोटर कोच। यू मे सी दैट लोकली इट इज कनेक्ट, दिस इज मोटर कोच नेटवर्क इज कनेक्टिंग विद द लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर। सो whatever the command driver desk gives as per the tractive effort command, this motor coach gives a command to the LTC. Then LTC is actually a variable frequency and variable voltage drive. So from there it goes on ki kitna usko tractive effort chahiye, it is calculated from the motor coach computer, and the command is given to the LTC. As per this the voltage is given and the tractive effort is achieved. This is basically that. Then this RS-485 network is over all the communication network for the Medha and for the propulsion system is on the Ethernet network, which is consists of ECN and ETP that I have already told you. But to communicate it with the brake system and to communicate with the RMPU, we have provided the communication network is different, that is RS-485 network, that you may be seeing the red lines over this. So EBCU1, brake electronic control unit 1 and brake and electronic control unit 1 2. DCU is door control unit 1 and door control unit 2, and RMPU unit 1 and RMPU unit 2. So basically whatever are the systems of the NOR and whatever are the systems of the HVAC, these are being done by RS-485 network. This communication is by RS-485 network. ये हो गया आपका। उसके बाद आपस में इनका कम्युनिकेशन इज विद द कैन कम्युनिकेशन, जो इंटरनल इनका कम्युनिकेशन है वो कैन कम्युनिकेशन के थ्रू है। दिस एफजीयू इज अ फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूनिट बाय, मैंने आपको बताया कि ये इसके दो, एक वन इज मेन लाइन नेटवर्क ट्रेन सिग्नल एंड अनदर इज अ ट्रेन लाइन सिग्नल जो है एक रिडंडेंट है। अगर वो दोनों ही फेल हो जाते हैं देन आपको पता नहीं चलेगा, बट हर एक कंप्यूटर अपने से कम्युनिकेट तो कर ही रहा है बट उसको सिग्नल नहीं मिल पा रहा है, ट्रेन लाइन का उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है। फॉर दैट सिग्नल एक डिवाइस उसमें दे रहा, फ्रीक्वेंसी जनरेटर यूनिट इज अवेलेबल, ये अपने आप स्विच ओवर हो जाएगा उसमें। बस आपको पता कैसे चलेगा कि स्विच ओवर हो गया, वो बेसिक यूनिट आपको दिखना बंद हो जाएगी इन द ड्राइवर डेस्क यूनिट। बट आपकी ड्राइवेबिलिटी में, आपकी वीमैक्स लिमिट में जो 160 आती है उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी ट्रेन वैसी की वैसी चलती रहेगी। दिस इज कॉल्ड अ स्पेशल आरडीएम मोड, स्पेशल रेस्क्यू ड्राइव मोड। तो उसमें क्या होगा, जो कम्युनिकेशन आपका है वो एफजीयू के थ्रू चलता रहेगा, आपको कम्युनिकेशन मिलता रहेगा और आपकी ट्रेन चलती रहेगी। अगर बाई चांस ये भी आपका फेल हो गया, देन इज अ आरडीएम मोड जो कि फुल्ली नेटवर्क बेस्ड है, मतलब बिट बेस्ड है, उसका भी दे रखा है, वो इसमें आपको शो नहीं हो रहा है बिकॉज दिस इज कम्युनिकेशन नेटवर्क। वो आपके जैसे ही ड्राइवर डेस्क यूनिट पे उसको पता चलेगा कि अब ये एफजीयू भी फेल हो गया है, तो आरडीएम मोड इनेबल करते ही साथ ही उसका वीमैक जो है वो 160 से 60 आ जाएगा, बट वो अभी तक आया नहीं है। दैट इज अ रेस्क्यू ड्राइव मोड, वो लास्ट है, वो कंट्रोल एरिया नेटवर्क के कैन के थ्रू कम्युनिकेट करता है, दैट इज लास्ट रिजॉर्ट। मतलब आपके तीनों चीज फेल हो गई, वन मेन कम्युनिकेशन, देन रिडंडेंट, देन एफजीयू का कम्युनिकेशन भी फेल हो गया, उसके बाद ही वो आता है। तो अभी तक तो इस तरीके की मतलब चीज नहीं आई है। एफजीयू हैज बीन यूज्ड वंस और ट्वाइस, वो तभी पता चलता है जब आपका बेसिक यूनिट से चला गया, देन ओनली यू गेट टू नो। तो
दिस इज अ बेसिक नेटवर्क जो कि सारा है आपका मेन जो कम्युनिकेशन नेटवर्क है वो यही है, इसी के थ्रू सारा कंट्रोल सिस्टम एंड एवरीथिंग इज वर्किंग। आई होप कि सारे लोग समझ पा रहे हो कुछ कुछ कि मैं क्या बोल रहा हूँ। Yes, I sure. It is very clear up till now. इसमें एक चीज जो रह गई है, दिस इज अ मतलब दिस इज अ सेंट्रल कमांड, दिस इज ड्राइवर डेस्क यूनिट, ब्रेक कंट्रोल सिस्टम का है ये, कंप्यूटर इस कोच का है, मोटर कंट्रोल यूनिट, मोटर कंट्रोल रिडंडेंट, दिस इज एसीयू इज ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट के लिए, जो ऑक्सिलरी कन्वर्टर है उसका कमांड यूनिट है ये, बाकी आपको मैंने बताई दिया सारा। रिडंडेंसी इसमें रिडंडेंट कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको वही बताया, कंट्रोल यूनिट लेवल रिडंडेंसी है, हर एक कोच का अपना अपना एक कंट्रोल यूनिट है, उसका एक रिडंडेंट दे रखा है, उसकी रिडंडेंसी है। कम्युनिकेशन की रिडंडेंसी जो मैंने आपको बताई कि ट्रेन लाइन है आपकी येलो वाली, ये पूरी की पूरी जाती है, रिवर्स आएगी, और एक इसकी मतलब दोनों ही इसकी एक रिडंडेंट भी है इसकी, ये आपका कम्युनिकेशन मीडिया रिडंडेंसी भी है। डेटा रिकॉर्डिंग रिडंडेंसी है कि दोनों कंप्यूटर लगे हुए हैं, इसके बाद रेमलॉट पर भी सारा डेटा जाता है, तो डेटा रिकॉर्डिंग की रिडंडेंसी है। ऑक्सिलरी रिडंडेंसी है कि जो आपका ट्रैक्स आपका जो टीसी कोच है, ये वाला जो मैंने आपको बताया टीसी कोच इज हैविंग अ ऑक्सिलरी कन्वर्टर यूनिट, ये एक ही मॉड्यूल है बट इसमें एसीयू वन एंड एसीयू टू दो लगे हुए हैं, एक 275 किलोवाट का है, एक 235 किलोवाट का है, तो ये दो आपके दो एसीयू लगे हुए हैं इसमें, इसकी भी रिडंडेंसी है। बेसिकली जब ये चलता है, दोनों चलते हैं तो पावर शेयरिंग होती है, अगर एक स्विच ऑफ हो जाएगा तो दूसरा टेक ओवर कर लेता है, दैट वी कॉल इट एज अ लोकल चेंज ओवर, अगर एक में ग्राउंडिंग आ गई या उसको डिटेक्ट हो गया तो वो दूसरे में चला जाएगा, दैट वी कॉल इट एज अ लोकल चेंज ओवर। बाई चांस दोनों ही बंद हो गए तो फिर क्या होता है, वो ग्लोबल चेंज ओवर हो जाता है, इस पूरे बेसिक यूनिट का ऑक्सिलरी कन्वर्टर अब दोनों ही बैठ गए हैं तो इसकी पावरिंग तो मिलेगी नहीं इसको 415 के जो भी इक्विपमेंट्स हैं, देन जो बगल वाली बेसिक यूनिट है उसके थ्रू वो अपना सारा नेटवर्क ले लेगा, सारा एसीयू की जो भी सप्लाई है उसके थ्रू मिल जाएगी। उस कंडीशन में क्या होगा, वो जो बगल वाली मान लीजिए बेसिक यूनिट वन में ये बंद हो गया आपका, ठीक है, बेसिक यूनिट वन के दोनों ऑक्सिलरी कन्वर्टर बंद हो गए, बेसिक यूनिट टू विल सप्लाई इन फुल कैपेसिटी टू द बेसिक यूनिट टू एंड 50% कैपेसिटी टू द बेसिक यूनिट वन, मीन्स आपका जो एच वी ए सी है उसके दो कंप्रेसर में से एक कंप्रेसर बंद हो जाएगा, आपकी 415 के जितने भी इक्विपमेंट है 50% चलेंगे, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटर फर्दर उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, तो दैट इज वी कॉल इट एज अ ग्लोबल चेंज ओवर। तो इस तरीके से ये डिफरेंट रिडंडेंसी है, ये इक्विपमेंट लेआउट है, ये आपको बता भी दिया गया होगा इनिशियल क्लासेस में कि डीटीसी में अंडर फ्रेम में मेन एयर कंप्रेसर है, बैटरी है एंड बैटरी चार्जर इज देयर, मोटर कोच में लाइन एंड ट्रैक्शन कन्वर्टर है, ब्रेक चॉपर रजिस्टर है एंड मोटर है। मैंने आपको बताया था कि जो ब्रेकिंग है पहले ईडी ब्रेकिंग होती है उसके बाद ही फ्रिक्शन ब्रेकिंग आती है, जब ईडी ब्रेकिंग होती है तो ओएचई इज इन द रेसिपिएंट स्टेज, जब उसका वोल्टेज रेसिपिएंट जब हम उसको देते हैं नॉन रेसिपिएंट स्टेट में हो जाती है तो बीसीआर के थ्रू ये इट्स अ सिंपल रजिस्टर, उसके थ्रू हीट की में डेसिपेट हो जाता है वो एनर्जी। टीसी में अंडर फ्रेम में आपके पास ट्रांसफार्मर है, ऑक्सिलरी कन्वर्टर है, रूफ में पेंटोग्राफ है एंड वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, दीज आर द बेसिक लार्जली दीज आर द मेन इक्विपमेंट्स विच आर देयर इन ईच एंड एवरी कोच इन वन बेसिक यूनिट कंसिस्ट। तो ये आपका सारा मतलब दिस इज बेसिकली जो मैंने अभी बताया आपको, ये सारा कुछ आपका ट्रेन कम्युनिकेशन और कंट्रोल सिस्टम का था। उसके बाद पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम इज ऑल्सो देयर इन द ट्रेन 18 टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू ऑल द पैसेंजर्स थ्रू आउट द जर्नी इन बोथ विजुअल एंड ऑडियो इंफॉर्मेशन। देयर इज अ प्रोविजन फॉर पब्लिक अनाउंसमेंट ऑल्सो फ्रॉम द ड्राइवर डेस्क and the internal communication is also there between the driver and the guard. So these are the basic features of the passenger information system. Yeah, I think so, itna clear nahi hoga aapko diagram.
अगर देख पाए हैं तो ये मैन, दिस इज बेसिकली अ मैन मशीन इंटरफेस। ये मैं आपको एक ड्राइवर डीडीयू का आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये ड्राइवर डेस्क यूनिट में एक ये प्रोवाइड है, लीडिंग ड्राइवर कार में मैन मशीन इंटरफेस इज देयर, मींस उसका एक कंसोल लगा हुआ है फॉर द पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम विच इज हैविंग द सिस्टम फॉर द इंटरनल कम्युनिकेशन एंड द अनाउंसमेंट ऑल्सो, पीए सिस्टम एंड पीआईए सिस्टम दोनों का उसको कंट्रोल दे रखा है उसमें। ये कैन कम्युनिकेशन के थ्रू कंट्रोल करते हैं। इस पीआईए सिस्टम में जो मेन मेन फीचर्स हैं, हर कोच में एक पैसेंजर इमरजेंसी कंट्रोल कंट्रोल यूनिट दे रखा है जिसके थ्रू आप यू कैन कम्युनिकेट विद द ड्राइवर ऑल्सो। अगर पैकू में आपने दबा दिया तो आपको इधर ड्राइवर को फ्लैश होने लगता है कि समवन वांट्स टू टॉक एंड समवन इज इन इमरजेंसी। जैसे ही वो रिसीव करेगा, जिस भी कोच का ये पैकू दबेगा उसकी विजुअल भी आ जाएगा, उसका ऑडियो तो सुनाई देगा ही उसको जो बोल रहा है, एंड विजुअल भी इमीडिएटली, दिस इज हैविंग द हाईएस्ट प्रायोरिटी। इसका विजुअल इमीडिएटली जो कि हमारा मैन मशीन इंटरफेस के साथ साथ, यहाँ पर माइक्रोफोन है, जीपीएस है, इसमें दिखा नहीं रखा है, अभी आगे मैं सीसीटीवी का दिखाऊंगा। सीसीटीवी का जो भी कंसोल है उसमें फोटोग्राफ इसकी पॉपअप हो जाएगी आपको, जो भी पैकू जिसमें भी एक्टिवेट हुआ है उसकी सीसीटीवी में वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगी, तो पता चल जाएगा किस कोच में है, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, क्या इशू है। इस पीआईए सिस्टम में जो जो कंपनी जो जो सिस्टम लगे हुए हैं, दीज आर द रिसीवर्स फॉर ऑडियो, स्पीकर्स लगे हुए हैं, एंड हर एक कोच में एम्बियंट नॉइस मीटर्स भी लगे हुए हैं दो। दीज बेसिकली डिसाइड कि उसमें साउंड, मतलब जो आपके आप ऑडियो बोल रहे हैं उसमें लाउड स्पीकर की साउंड कितनी होनी चाहिए, ये एम्बियंट नॉइस मीटर से डिसाइड हो जाता है अपने आप। दिस इज बेसिकली द पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम ब्लॉक डायग्राम। बहुत ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है, इसका ये मेन कंप्यूटर है, कार कंट्रोलर, दिस इज अ मेन कंप्यूटर, और ये है। पैकू इज अ गुड फीचर विच इज रेगुलरली बीइंग यूज्ड बाय द पैसेंजर्स इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी एंड कोई डिस्कम्फर्ट है तो डायरेक्टली दे कैन टॉक टू द, मतलब नॉर्मल के हमने ऐसा बना रखा है कि ड्राइवर और ये उसमें ट्रेलिंग ड्राइवर कार दोनों में रहता है, बट नॉर्मली ड्राइवर इज और इज बिजी विद द ड्राइविंग, तो बेसिकली जो गार्ड है वो पिकअप करता है, ही टॉक्स विद द जो भी पैसेंजर है उसमें क्या इशू है। तो ये बेसिक पीआईए सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम है आपका। देन नेक्स्ट इज द सीसीटीवी सिस्टम ओवरव्यू। दीज आर द बेसिक थिंग्स कि सीसीटीवी को कैप्चर करना है, ये सारा कुछ है, एंड फॉर द पब्लिक सेफ्टी एंड टू मॉनिटर द अनफोर्सीन मूवमेंट्स इनसाइड। ड्राइवर एंड गार्ड इसको मॉनिटर करते रहते हैं, ड्राइवर तो नहीं करता है, ड्राइवर इज बिजी विद द ट्रेन ऑपरेशन, बट गार्ड इज रेगुलरली कीप्स ऑन मॉनिटरिंग ईच एंड एवरी कोच। और इसमें दो मोड, देयर आर टू मोड्स इन दिस, वन इज ऑटो मोड, तो अपने आप डिस्प्ले ऑफ ईच एंड एवरी कोच कीप्स ऑन चेंजिंग, और एक मैनुअल मोड है कि आपको पर्टिकुलरली कुछ देखना है तो यू कैन एंटर इन टू दिस। सीसीटीवी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सीसीटीवी रिकॉर्डर, इनडोर कैमराज हैं, आउटडोर कैमराज हैं। इन द डीटीसी पर्टिकुलर डीटीसी कोच अगर मैं बात करूं, जो फर्स्ट कोच है उसमें कैब के अंदर दो कैमराज हैं सीसीटीवी, टू आर जस्ट आउटसाइड द डोरवे एरियाज एंड वन इज इन द फ्रंट अलाइंड टूवर्ड्स द ट्रैक। सो बेसिकली फाइव कैमराज ये हो गए। उसके बाद जो पीछे उसका पैसेंजर एरिया है, उसमें सैलून एरिया है, उसमें देयर आर टू कैमराज डायगनली एंड टू आर इन द डोरवे एरियाज। दिस इज सो पर डोरवे एरिया दो हो गए, तो आपका पर कोच में, अगर मैं डीटीसी छोड़ दीजिए, तो पर कोच में दो इनडोर कैमराज फॉर द सैलून एरियाज एंड फोर आर द आउटडोर कैमराज फॉर द टू ऑफ द ईस्ट डोर यूनिट। ईथरनेट स्विच है फॉर द कम्युनिकेशन एंड द ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट एंड द बोथ द ड्राइवर डेस्क फॉर द डिस्प्ले। ये इसका कंसिस्ट है जो मैंने आपको बताया कि ये है आपका, दिस इज अ कंसिस्ट ऑफ द फुल रेक, मैं आपको बताया
फर्स्ट वाला आपका ये दिस इज द फर्स्ट यूनिट डीटीसी। डीटीसी में आपके ये कैम वन से लेके कैम सिक्स, ये तो आपके कोच गैंगवे एरिया के हो गए। कैब वन एंड टू, कैब वन कैमरा वन एंड टू, ये जो मैंने आपको बताया कैब के अंदर, वन इज व्यूइंग ऑन द वन साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, अनदर इज व्यूइंग ऑन अदर साइड ऑफ द प्लेटफॉर्म, एंड वन इज फॉर द ट्रैक व्यू एंड ड्राइवर डिस्प्ले यूनिट इज देयर। सो दिस इज द बेसिक, दिस इज ऑल्सो ऑन द इथरनेट लाइन, दिस इज द कंसिस्ट ऑफ द सीसीटीवी सिस्टम। So you may see that in each and every coach there are six cameras for the saloon and the roadway areas, and additional cameras are provided on the both first and the last diving tailor coaches. So this is a CCTV system overview, and we have a backup for 15 days in the CCTV, and this has helped a lot. Recently also we have caught one thief just after the train reached the Delhi. One of the thief came and snatched the laptop of one of the passengers, so it got caught with the help of CCTV. Then another main system is the braking system of this particular train. This is an intelligent braking system. We have four compressors, main air compressor and the four auxiliary air compressor. The auxiliary air compressors are just used for the raising of the pantographs. These are in the trailer coaches, and the main air compressors are for the running for the full air brake system and the vacuum toilet system and the door system also. So there are four compressor at a time. Two compressors are on and duty cycles are defined. So on the basis of duty cycles, they switch on and switch off. These are piston type oil free air compressor along with the air dryer unit. As I have already told you, this train is equipped with EP brake, microprocessor control direct service brake is also there. Automatic indirect brake, which is applied for redundancy region. This is called as we call in a normal lingo as a A9 brake is there. And the event of emergency also, this is applied. This is towing mode operation. Actually, normal trains mein agar aap dekhenge, to normal trains mein there are two lines, BP line and FP line. But this train mein FP line ka concept nahi hai. This train is having MR line and the BP line. Normal braking ke samay mein keval hamara MR hi drop hoga, BP drop nahi hota. Wheel mounted brake discs are there. जैसे आपने LHP में देखा होगा, LHP में discs are different. Disc brake disc अलग से दे रखी है, but इसमें discs are embedded on the wheel itself. मैंने आपको बताया था parking brake का, तो every axle is having one caliper as a service brake caliper and another is for the service brake and the parking brake also. As I have already told you initially that electrodynamic brake is the main brake system. It will be generally used in the preference of EP brake. Till the time it is getting that distillation effort that is required, it will try to make it up by ED braking. EP won't come into picture. ये आपके फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन, दिस इज अ सिस्टम डायग्राम फॉर द फ्रिक्शन ब्रेक सिस्टम। फ्रिक्शन ब्रेक आपका सर्विस ब्रेक एप्लीकेशन में लगेगा। समटाइम्स जब ईडी ब्रेक का फेलियर हो जाता है तब लगता है, सर्विस ब्रेक में एप्लीकेशन लेकिन तभी है जबकि ईडी ब्रेक का उसका ट्रैक्टिव एफर्ट अगर उसको नहीं मिल पा रहा है, देन ओनली दिस कम्स इनटू पिक्चर, अदरवाइज ट्रेन इज जनरली स्टॉप विद द हेल्प ऑफ ईडी ब्रेकिंग ओनली। ईडी ब्रेक के फेलियर होने पर सर्विस ब्रेक कम्स इनटू पिक्चर। इमरजेंसी ब्रेकिंग के समय पर ये काम आएगा, जो मैंने बताया आपको A9 वाला, जो अभी दिस वन ऑटोमेटिक इनडायरेक्ट ब्रेक। इमरजेंसी ब्रेक का देयर इज वन स्विच आल्सो प्रोवाइडेड, इमरजेंसी पुश बटन, इसके थ्रू भी इमरजेंसी ब्रेकिंग आप लगा सकते हैं। पार्किंग ब्रेक इज आल्सो अप्लाइड बाय दिस। स्टॉपिंग ब्रेक भी
स्टॉपिंग ब्रेक अगर जब आपकी ट्रेन रुकी हुई है उसके उस समय एप्लीकेशन के समय दिस कम्स इनटू पिक्चर, द फ्रिक्शन ब्रेकिंग कम्स इनटू पिक्चर। एंड होल्डिंग ब्रेक जो मैंने आपको बताया था कि रोल ओवर डिटेक्शन के समय काम आता है, तो उससे बचाने के लिए होल्डिंग ब्रेक अप्लाइज। तो दीज आर द सेम फ्रिक्शन ब्रेक, सेम कैलिपर वर्क्स इनटू कम्स इनटू पिक्चर, ओनली द डिफरेंस इज कि द प्रेशर इज डिफरेंट, कि सर्विस ब्रेक में कितना प्रेशर रहेगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग में कितना प्रेशर रहेगा, वो उसके डिफरेंस के हिसाब से कितना ट्रैक एफर्ट उसे चाहिए उसके हिसाब से वो जाएगा। ईडी ब्रेक का जो मैक्सिमम ट्रैक एफर्ट आपका जो मैंने अभी बताया, आपका ईडी ब्रेक का जो मैक्सिमम ट्रैक एफर्ट है दैट इज 94 किलो न्यूटन पर मोटर कार, ये मैक्सिमम ईडी एफर्ट आपका लगता है। अगर इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट अगर उसको दिख रही है वो अपने आप कैलकुलेट करता है, अगर उसको दिख रही है तो फिर वो ईपी लगाएगा। ये आपका जो मैंने अभी बताया सर्विस ब्रेक का ब्रेक मोड्स वन सर्विस ब्रेक का है, ब्रेक कंट्रोल यूनिट एंड द बेकू, पीसीयू आपका नीचे लगा हुआ है टुवर्ड्स द अंडर फ्रेम एरिया, ब्रेक कंट्रोल यूनिट एंड बीईसीयू इज द इलेक्ट्रॉनिक पार्ट ऑफ दिस ब्रेक कंट्रोल यूनिट। सर्विस ब्रेक लोड इज करेक्टेड एंड व्हील स्लाइड इज कंट्रोल्ड। इसका मैं बताता हूं आपको कि हर एक जो भी इसमें प्राइमरी सस्पेंशन इज द कॉइल स्प्रिंग एंड सेकेंडरी सस्पेंशन इज द एयर स्प्रिंग। एयर स्प्रिंग का जो प्रेशर है उसके हिसाब से लोड कैलकुलेट होकर डायरेक्टली उसको फीड होता रहता है कि कितना लोड है, उसके हिसाब से ये बैकू को फीड होता रहता है कि कितना हमारे पास लोड है। बैकू उस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को फीड कर, जब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को देते हुए बीसीयू को बताता है कि हमें कितना ट्रैक्टिव एफर्ट को रिड्यूस करना है, कितना ब्रेकिंग एफर्ट लगाना है, उसके हिसाब से प्रेशर जाता है। ये चीज फेल ना हो जाए इसके लिए अलग से यहाँ पर एक और दे रखा है, एक और सिस्टम दे रखा है। ये सारे इसका हमारा लोडिंग का चारों का सम निकाल के, एक तो डायरेक्टली इसका जो एयर स्प्रिंग है वो फीड कर रहे हैं बैकू को कि कितना लोड है, और एक के समेशन करके उसको फिर फीड करता है कि इनकेस अगर इसको पता नहीं है तो ये रिडंडेंट इसके थ्रू ब्रेकिंग एफर्ट मिल जाए, तो ये भी इसको डायरेक्टली बैकू को फीड कर रहा है। तो देयर इज टू, एक तो डायरेक्टली फीड कर रहा है, एक रिडंडेंट है उसको चेकिंग के लिए एक और होता है कि कहीं व्हील स्लिड ना स्लाइड ना हो जाए, उसके लिए एक और दे रखा है इसको। तो बेसिकली वन इज वन लोड कैलकुलेशन इज डायरेक्टली फ्रॉम द एयर स्प्रिंग साइड टू द बैकू, एंड वन इज अ समेशन ऑफ ऑल द लोड्स एंड फीड इट टू बैकू। उसके बाद आपका कितना ट्रैक्टिव एफर्ट को रिड्यूस करना है, कितना ब्रेकिंग एफर्ट चाहिए, वो प्रोपोर्शनैलिटी में बीसीयू को मिल जाता है और उसके बाद ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है। दिस आई एम टेलिंग यू इज फॉर द सर्विस ब्रेक। जब ईडी काम नहीं, जब ईडी का एफर्ट इज नॉट दैट मच कि हमारा ट्रेन रुक पाए, उससे ज्यादा एफर्ट चाहिए, दैट कम्स इनटू पिक्चर। अदरवाइज तो ईडी के थ्रू ही काम चलता है। इमरजेंसी ब्रेक है, सेकेंड इज इमरजेंसी ब्रेक, ये मैंने आपको बताया था। फर्स्ट जो मैंने आपको बताया था ईबीएल इमरजेंसी ब्रेक लूप, अगर उसमें कहीं भी वायर ब्रेक होता है या कहीं भी उसकी सप्लाई कट ऑफ होती है तो हाईएस्ट प्रायोरिटी इसी की है। ट्रैक्शन विल बी जीरो, ट्रैक्शन नहीं मिलेगी आपको, 15 के एमपीएच पर जाने के बाद इमीडिएटली ट्रैक्शन कट ऑफ हो जाएगी फिर से। तो दिस इज इमरजेंसी ब्रेक लूप। ये मास्टर कंट्रोलर के थ्रू भी होता है, जो मास्टर कंट्रोलर है उसमें जब आप फॉरवर्ड जाएंगे तो आपको ट्रैक्टर एफर्ट मिलता है, उसका जब आप रिवर्स साइड में आते हैं तो आपको ईडी ब्रेक लगता है, और उसके आप एकदम लास्ट में आ जाएंगे देन इट्स अ इमरजेंसी वॉल्व, उसके बाद आप इमरजेंसी ब्रेकिंग में चले जाते हैं। जो मैंने आपको पहले बताया वही लिखा हुआ है इसमें कि इफ इमरजेंसी ब्रेक लूप इज ओपन, अगर वो किसी भी तरीके से ओपन हो जाता है या उसमें सप्लाई नहीं पहुंच रही है तो वो डीएनर्जाइज हो जाएगा एंड इमरजेंसी ब्रेक प्रेशर वर्क, और उसके बाद इमरजेंसी ब्रेक इमरजेंसी इमीडिएटली अप्लाई हो जाएगा। जस्ट अ मिनट। इसका एक इसकी इसकी भी रिडंडेंसी दे रखी है, इमरजेंसी ब्रेक प्रेशर का जो डीसीएल है डिजिटल कंट्रोल वाल्व है उसके थ्रू बीसीयू को जाता है इंफॉर्मेशन, और इमरजेंसी लूप उसके बाद एक्टिवेट हो जाता है और इमरजेंसी लग जाती है।
इसमें भी सेम यही लोड करेक्टिंग मैकेनिज्म है जो मैंने आपको पिछले बताया कि डायरेक्टली इसको प्रेशर फीड हो रहा है और एक समेशन भी आता है फॉर व्हील स्केट वगैरह को रोकने के लिए. दिस इज ऑल्सो अ लोड करेक्टेड बाय अ लोड डिपेंडेंट प्रेशर लिमिटिंग वॉल. ये प्रेशर लिमिटिंग वॉल जो यहाँ पे लगा हुआ है उसके थ्रू ही इसका लोड करेक्टिंग मैकेनिज्म इसमें भी है, इमरजेंसी में ब्रेक लूप में भी है. देन थर्ड मोड इज द टोइंग ब्रेक. ये जब हमें देन व्हेन वी हैव टू टो द व्हीकल, अगर हमें गाड़ी को लेके आना है, इन एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस आप गाड़ी नहीं चला पा रहे हैं, आपके दोनों पेंटो मोड कॉन्फ़िगरेशन आपके हो गए हैं खराब, या किसी और वजह से आपको गाड़ी को में लोको लगा के लाना पड़ रहा है, देन दिस कम्स इन टू पिक्चर. कंट्रोल ऑफ द ब्रेक विल बी ओनली न्यूमेटिक. अब ईडी ब्रेक आपका खत्म हो जाएगा, आपकी इसकी MR की लाइन को उसकी BP की लाइन से जोड़ना पड़ेगा. तो नॉर्मल जो उसके बाद आपका न्यूमेटिक ब्रेकिंग है वो एक्टिव होती है और उसके थ्रू आपको फिर लेके आना पड़ता है. बट प्रायर कमिंग टू दिस, मैं आपको अभी लास्ट में बताऊंगा कि इट्स नॉट दैट ईजी कि डायरेक्टली इसको कनेक्ट कर दिया और लोको कनेक्ट होके आ गया. उसमें यू हैव टू गो एंड ईच एंड एवरी कोच यू हैव टू आइसोलेट द EP कॉक्स एंड द पार्किंग ब्रेक कॉक्स ऑल्सो. उसके बाद ही आप अटैच कर सकते हैं, देन यू हैव टू ओवरराइड फ्रॉम द ड्राइवर डेस्क यूनिट. उसके बाद ही आप ये अटैच करके फिर लोको चलेगा, अदरवाइज गाड़ी मूव नहीं हो सकती है. दिस इज सिंपल. उसके बाद आपका नॉर्मल जो न्यूमेटिक ब्रेकिंग है वो एक्टिव हो जाती है लोकोमोटिव के थ्रू, कि जो ब्रेक पाइप के थ्रू आपका न्यूमेटिक ब्रेक एप्लीकेशन होगा DB के थ्रू. नॉर्मल ब्रेकिंग जैसे बाकी ट्रेन्स में लगती है, दिस कम्स इन टू पिक्चर. द ओनली इशू इज की जो MR की लाइन है वो BP की लाइन से इसमें कनेक्ट करते हैं. जो ब्रेक पाइपिंग है, जो ब्रेकिंग एफर्ट है, वो बिकॉज जो कैब ऑक्यूपाइड है वहीं से होगी. तो दिस इज जस्ट रिटन की जो एक्टिव कैब है वहीं से इसका ब्रेकिंग एफर्ट वगैरह सारा कुछ इसी के थ्रू चलेगा. ऐसा आता नहीं है देयर हैज बीन ओनली जस्ट वन इंसिडेंट सिंस वी आर ऑपरेटिंग दिस ट्रेन. लगभग 2.5-3 साल में एक बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है कि हमें ये करके लाना पड़ा है. उसके बाद ये आपका पार्किंग ब्रेक कंट्रोल का मॉड्यूल है, पार्किंग ब्रेक एप्लीकेशन. इसका मैंने आपको तीन वो बताई दिए थे आपको पार्किंग ब्रेक का, कि MR 3.5 से अगर नीचे जाएगा तो पार्किंग ब्रेक लग जाएगा. आप इसका स्विच ऑन, एक इसका टॉगल स्विच दे रखा है, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका ये अप्लाई हो जाता है एंड कैब डीऑक्यूपाई होगी तो ये हो जाता है. ये इसको अगर हमें इसको आइसोलेट करना है तो दिस इज द कॉक विच वी हैव टू आइसोलेट एंड मैनुअली वी हैव टू आइसोलेट ईच एंड एवरी कोच. अगर हमें उसके बाद अगर लोको लगाना है तो इसको हमें खोल के लाइन पर फिर आइसोलेट करना पड़ता है. जो DCL बताया, दिस इज द हार्ट ऑफ द ब्रेकिंग सिस्टम. यही दिस इज बेसिकली कंट्रोलिंग द फुल ब्रेकिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन. ट्रेन कंसिस्ट DCL में फर्स्ट आपका इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड जो मैंने आपको बताया कि ये हर कोच में अपना, इसमें भी एक मेन है एक रिडंडेंट है, इलेक्ट्रॉनिक बैकू लगा हुआ है. और उसके बाद आपका एक वेंटिंग है, वेंटिंग वॉल्व, दो वॉल्व है, वेंटिंग वॉल्व एंड चार्जिंग वॉल्व एंड प्रेशर सेंसर. प्रेशर सेंसर इसको फीड करता है DCL को कि कितना लोड है, उसके बाद से आपका चार्जिंग और वेंटिंग वॉल्व में कितना आपका वो करना है, प्रेशर आपको देना है ब्रेकिंग के टाइम पर, वो सारा कुछ इसी से डिसाइड होता है. ये जो मैंने बताया आपको कि दीज आर द बॉक्सेस, ये नीचे लगे हुए हैं, दीज आर द ब्रेक कंट्रोल यूनिट. एक एक बोगी का एक एक ब्रेक कंट्रोल यूनिट है. उसके बाद B01 है एंड B02 एंड B07. बी ब्रेक कंट्रोल यूनिट का ये आपको कंसिस्ट दिखा दिया गया. इसमें बैकू से इसको कमांड आती है, उसके बाद ये एक्टिवेट होता है और ब्रेकिंग लगा देते हैं, ब्रेकिंग होती है. B02 इज बेसिकली यूज फॉर EP ब्रेकिंग. ये दो कॉक जो आपको दिख रहे हैं वर्टिकल में, दीज आर द कॉक्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक EP ब्रेकिंग. उसके बाद ये B07 का आपको कंसिस्ट दिखाया है ये. और ये B07 इज इलेक्ट्रोन्यूमेटिक गवर्नर. अगर MR आपका 6.5 से नीचे चला गया है तो ये एक्टिवेट हो जाएगा और ब्रेकिंग लग जाएगी, इसमें गवर्नर लगे हैं. इसी तरीके से BP अगर 3.5 के
नीचे चला गया है तो ये आपका बीपी 3.5 के नीचे चला गया तो आपको ब्रेक एप्लीकेशन कर देगा। उसके बाद ये B01 मैंने आपको बताई दिया है फॉर द पार्किंग ब्रेक, ये सारे कंसिस्टेंट है, दिस इज फॉर द पार्किंग ब्रेक, ये गवर्नर्स है फॉर द एमआर एंड बीपीस में लगे हुए हैं, दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोन्यूमेटिक ब्रेक एंड दिस इज बीसीयू, बीसीयू इंटरैक्ट्स विद द ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट ओवर देयर। ये दीज आर द मेंटेनेंस शेड्यूल्स जो कि अभी हम फॉलो कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू द रेलवे बोर्ड गाइडलाइंस। ट्रिप हम डेली आफ्टर रनिंग ऑफ 1500 किलोमीटर दैट वी आर डूइंग, ट्रिप वी आर डूइंग आफ्टर 3 days, बट फॉर द सेकेंड ब्रेक दैट वी आर ऑपरेटिंग इन ऑन द कटरा साइड वी आर नॉट फॉलोइंग दिस बिकॉज ट्रेन इज रनिंग फॉर 6 days कंटिन्यूसली, तो उसमें करीब हमारा वो 7800 के अप्रॉक्स पहुंच जाता है मंथली क्वार्टरली 9 monthly। शॉप शेड्यूल 1 तक वी हैव डन द शेड्यूल्स इन द शेड इटसेल्फ, द असिस्टेंस दैट वी हैव टेकन फ्रॉम द वर्कशॉप इज फॉर द बोगी ओवरऑलिंग, अदरवाइज ऑल द एक्टिविटीज हैज बीन डन इन द शेड इटसेल्फ। शॉप शेड्यूल के लिए टाइम हैज बीन डिफाइंड 15 to 20 days बट वी हैव टेकन 40 odd days फॉर कंप्लीशन ऑफ द शेड्यूल, उसमें बिकॉज वी वर नॉट हैविंग द स्पेयर बोगीज एंड ऑल दैट मच, so we took 40 odd days for completion of this schedule. So that's all from my side. Basically I have gone into the technical things, passenger amenities pe main nahi gaya hu kyunki wo CNW ka core area hai ye वैसे भी। शीलबाद forum is open for the questions please. Just एक मिनट मुझे दे दो, एक DRM साहब का फोन आ रहा है, just attend and we'll answer the questions. Sure, sure, sure. हाँ शीलवत। Yes, so any of the participants who are present at the auditorium, if they have any questions, you may please ask. Yes, sir. Myself, sir, KK Kalyan, SSC CNW, Dehradun. जी बताइए। मैं जानना चाह रहा हूँ जो हमारे ये शेड्यूल हैं, इसमें हम क्या-क्या अटेंड करेंगे? उसका कुछ है हमारे पास? हाँ, वो मैं आपको बता, वो आपके मैं शेयर कर दूंगा शीलवत के साथ। उसमें डिफाइंड है वो सारे एक्टिविटीज क्या क्या करना है, RDSO का मैनुअल निकला हुआ है, उसमें SS1 तक एवरीथिंग इज डिफाइंड व्हाट हैज टू बी डन, वो सारा कुछ उसमें डिफाइंड है। ओके, क्या क्या आपको आइटम्स क्या क्या चीज किसमें देखने हैं वो सारा डिफाइंड है उसमें। SS1 के आगे नहीं बन पाया, SS2 का वी आर फ्रेमिंग ऑन डिस्कशन विद द OEMs एंड द RDSO, बट SS1 तक का रेडी है, वो आप ले सकते हैं, नॉट एन इशू। सर एक चीज हो रहा है इसमें, जो हमारे मान लो कोई डीवीएस या कोई प्रॉब्लम हो जाती है इस तरह की, तो उसका कुछ स्पेयर? We are not having any of the spares. Right now, we are not having even a single coach as a spare. And proudly, we can say that till now, running the Vande Bharat Express for 2.5 odd years, abhi tak keval 6 cancellations hue hain, aur wo bhi primary spring breakage ki wajah se hue hain, otherwise, koi cancellation nahi hai hamari taraf se. Any other participant? Good morning, sir. Morning. Sir, this is Naveen, ADM Indo. Sir, I want to know that how much or which portion electrical department staff is maintaining and which portion is mechanical department is maintaining? May please. Why do you want to go into these things? Just practically, you want to know what is going on at your depot. No, there is no bifurcation as such of electrical and mechanical. Complete train set is being maintained by the staff of the train set depot, Shukur Basti. There is no bifurcation as electrical and mechanical. Okay. Second thing, sir. In regular or trip maintenance, how much our staff is involved or some OEM staff is also involved? May please.
Yes, for the propulsion side, we are taking help of the our staff can attend, but our staff cannot go into the entities like what is the nomenclature of the particular board that is being provided, what is there inside the computers that our staff cannot do. For that, we have gone the AMCs with the OEM. For air brake system, we are our staff is completely maintaining. Bogie side, our staff is completely maintaining. HT side is our staff is maintaining from the pantograph to the transformer side, rather to the traction converter side. Our staff is maintaining. Only the control system for the propulsion side is being taken care of by the Medha in the assistance. RMPU is being done by the OEMs. All other things are being taken care of by our staff only. Even the CCTVs and the PIS system is being taken care of by our staff. Sir, one more question. In last 2.5 years, as you told, you are maintaining. What the main issue or repeating issue in maintenance you are facing? The major issue that we have faced during the maintenance was just after the lockdown was lifted in the month of September previous year. After that, there were around 7 or 8 instances of primary spring breakage. But fortunately, with the dedication or with the expertise of our staff, there has been only one instance which we couldn't identify during the time of the maintenance. And in that, the train has to come at 80 km/h restricted speed. That no nomenclature is defined for the train set itself. So we followed the nomenclature of the LHB rakes. So there has been one instance. After that, we have counseled the staff, and fortunately, all other instances that has been taken care of during the maintenance itself. But that is the major concern area because in that you have to detach the coach. And you have to detach the coach, then you have to lift the coach, and then you have to change the bogie or the that spring. So that is a tedious process because, as I have told you earlier, that the gangways are completely sealed. So to open the gangways and to detach the coach is 3 hours activity. So that was the main concern. Otherwise, as you may have already seen, that there are so much of redundancies in the train system now. The failures doesn't happen. Okay, sir. One thing about the speed. Actually, you told initially that you are practically operating it at 130 km/h maximum and sometimes 110 km/h. Same, our LHB rakes are also moving on this speed. So, what is the difference between Vande Bharat or train set and LHB, which is already running? What benefits we are gaining from it? Because at the same speed we are running. Nahi, I'm not getting your question. I'm not getting your question. His question Sir, is, you Aishwarya, I'll repeat Aishwarya's question is कि जो हमारे LHB ट्रेन चलते हैं वो भी 130 और 110 पे चलते हैं और वंदे भारत भी हम लोग मजबूर हैं 130 और 110 पे चलाने के, तो फिर एडवांटेज हमें किस चीज में एडवांटेज मिल रहा है अगर हम लोग एडवांटेज वही है चलें? ना जो मैंने आपको बताया इनिशियली. अगर आपने देखा होगा द एसिलेशन एंड द डिसिलेशन, कि फास्टर एसिलेशन है फास्टर डिसिलेशन. तो जो भी पीएसआर टीएसआर उसके हैं वो उसके बाद वो एसिलेशन इज द फास्टर. मतलब अभी एंड ऐश्वर्य, जो इसमें जो लिमिटेशन है 130 का, इज इट द आई डोंट थिंक इट्स अ लिमिटेशन फ्रॉम द रोलिंग स्टॉक साइड. आई थिंक इज इट फ्रॉम नहीं, द रोलिंग स्टॉक इज फिट फॉर 160. रोलिंग स्टॉक इज फिट फॉर 160. एग्जैक्टली मैंने तो आपको 110 तक ही बताया, बट फ्रॉम जम्मू टू कटरा वी आर ऑपरेटिंग एट 75 ओनली. सो लिमिटेशन इज नॉट फ्रॉम द रोलिंग स्टॉक साइड, लिमिटेशन इज फ्रॉम द अदर साइड. वो धीरे धीरे मेरे ख्याल से फेंसिंग होगी और वो सब होगा, या मतलब भोपाल रूट में हम जब ऑपरेट करेंगे तो वी विल बी ऑपरेटिंग ऑन 160. मेन एडवांटेज वही है. अभी जस्ट एक इशू था, उसकी वजह से मैं कल ट्रेन नहीं भेज पाया अपनी कटरा वाली. तो उसमें तेजस का एक दे रखा है टू ऑपरेट अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस. तो लगभग जब तेजस का एक जाता है उसमें तो 40-45 मिनट्स तो लूज करते ही है वो टू कवर द सेम डिस्टेंस. एंड वी आर रीचिंग अराउंड 15 मिनट्स प्रायर टू द अरेवल टाइम. मतलब 1400 आवर्स बनारस का टाइम है, बट वी रीच बाय 13:41 और 45 के बीच में. Any other next participant would like to ask any question?
Okay, Aishwarya, one question that is coming to my mind. I have one question. That Yeah, you said please. that we do not have any spares, you do not have any spare coaches. Yeah. But one lecture was taken by Shubhranshu sir just day before yesterday, and he was giving us a comparative statistics की जो ineffective percentage है. We specifically हम कोशिश करते हैं ineffective 6% 7% उससे भी कम रहे. बट एक्चुअली इलेक्ट्रिकल साइड से जो ईएमयू मेंटेनेंस में देखे तो वो काफी ज्यादा बैकअप ब्रेक्स रखते हैं अपने पास. या इवन अगर हम हाई स्पीड ट्रेन जहां पे चलाई जाती है वहां भी बात करें तो अप टू 50% हमारे पास इनइफेक्टिव या आप कह सकते हैं स्पेयर ब्रेक्स होती हैं. सो डू यू एवर फील द नेसेसिटी ऑफ हैविंग सच ब्रेक्स? बिकॉज अगर वाइड स्पीड हम प्रोलिफरेशन करेंगे और ऐसे छोटे मोटे दिक्कत आएंगे और जिस वजह से हम ट्रेन सेट चला ही ना पाए, तो क्या उसके लिए हमारे पास बैकअप रेक्स या बैकअप कोचेस या कुछ ऐसा हो सकता है? व्हाट इज योर सजेशन दिस? वही वही जो मैं वही वही बात कर रहा था अभी. वी आर डिस्कसिंग, जस्ट डिस्कशन फेज में ही है वो सारी चीजें जो हमारा टेंसर डिपो सैंक्शन हुआ है. तो उसमें मतलब बिकॉज SS1 इज ऑल्सो वन वन शेड्यूल की जिसका कोई हमारे यहाँ नोन नहीं था कि किस तरीके से करें, बिकॉज दिस इज अ रोलिंग स्टॉक दैट इज बीन टेकन केयर फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर दैट शेड्यूल. तो इट इज अवर शेड हु हैज फॉर्मुलेटेड द टाइमलाइंस एंड क्या क्या एक्टिविटी कैसे होनी है. वो सारी एक्टिविटीज हमने DMRC से लेके कि वो कैसे अपना, क्योंकि उनका भी कंसिस्ट इसी तरीके का है. हमारा बेसिक का, हमारा जो रेक है इट्स कंसिस्ट ऑफ अ बेसिक यूनिट, 4 का बेसिक यूनिट है हमारा, उनका 3 का बेसिक यूनिट है DMRC का. तो वो 3 के बेसिक यूनिट को चलाते हैं. तो अभी हम 4 का बेसिक यूनिट हमारा, तो हम उनके थ्रू वो कैसे, कितने दिन उन्होंने लिए एक बेसिक यूनिट को करने में, क्या क्या एक्टिविटीज वो करते हैं, कैसे करते हैं, उससे काफी हेल्प मिली है हमें. एंड उनका एनालिसिस ये है कि लाइक जो पिंक लाइन अभी ऑपरेट कर रही है मेरे पास, जो जस्ट नियर बाय जो शकुर बस्ती जो डिपो है वहां पर 45 रेक्स दे आर होल्डिंग. आउट ऑफ 45 दे आर ऑपरेटिंग ओनली 40 रेक्स, 5 रेक्स दे आर कीपिंग एज अ स्पेयर स्टॉक. सो वी आर ऑल्सो आस्किंग फॉर द 10%, एटलीस्ट 10%. बट 10% का भी ये सिनेरियो ना कि 10% अगर आपका, कल वी आर डिस्कसिंग कि 10% तभी हो सकता है जब एक पर्टिकुलर नंबर तक आप अचीव करें. मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास 10 रेक हैं तो मैं, एक ही रेक मुझे चाहिए. 10 रेक में हो सकता है मुझे 3 चाहिए हो या 2 चाहिए हो, बट ठीक है मैं जब 30 में पहुंचूंगा तब मेरा बफर वो 10 का हो जाएगा. जैसे मैं 2 रेक चला रहा हूं तो मुझे एक बफर चाहिए अभी भी, तो वो तो 33% पहुंच गया अगर मैं मांगूंगा. तो दैट इज रिक्वायर्ड, बिकॉज अगर हम इसको कोच की तरह ट्रीट करना शुरू कर देंगे तो फिर ये तो मतलब फिर तो रह ही नहीं जाएगा, टेंसर का कॉन्सेप्ट ही नहीं रह जाएगा कुछ. तो बेटर वी शुड नॉट ट्रीट इज एज अ कोच, वी शुड ट्रीट इज एज अ फुल कंसिस्ट, जो कि फॉरेन में भी होता है. एंड तुम तो रहे हो मतलब जापान में, तो वो सेम ही है कॉन्सेप्ट. वो वही करना ही पड़ेगा तभी हम मतलब कर पाएंगे. और जैसे मैंने अभी बताया कि मतलब वो किसी ने नहीं पूछा अभी मतलब कि आप टायर टर्निंग कैसे करते हैं, वो सब चीजें कैसे होती हैं. तो वो एक बहुत टीडियस प्रोसेस है. अभी हमने क्या शेड्यूल बना रखा है कि जिस दिन हमारे पास शेड में आती है उसी दिन मैं मतलब इनवेरिएबली उसकी व्हील गेजिंग होती ही होती है, और व्हील गेजिंग करके VSS की नेक्स्ट ट्रिप में मुझे इसकी टायर टर्निंग करनी पड़ेगी इस पर्टिकुलर कोच की. और उसका उसका कटिंग मैं रात को ही करवा के सुबह मैं टायर टर्निंग पर लगा देता हूँ. बट इन द न्यू डिपो दैट वी आर गोइंग फॉर, उसमें मैंने, उसमें वी आर प्लानिंग कि हमें रेक के कंसिस्ट को काटना ना पड़े. वी आर गेटिंग अ फुल रेक लेंथ लाइन जिसमें कि बिना काटे ही मुझे व्हील प्रोफाइलिंग या टायर टर्निंग हो जाए. एंड ऐश्वर्य, ये अभी तो SS1 शेड्यूल की बात हो रही है, बट अगर फ्यूचर में जैसे POH पीरियोडिक ओवरहॉलिंग जैसे कुछ मेजर शेड्यूल्स करने होंगे तो क्या मतलब ये वर्कशॉप जाएंगे या वहीं पे किया जाएगा, इस पे क्या है? और उसके लिए फिर पूरे रेक के लिए उतना लाइन, ये क्वेश्चन हमारे एक पार्टिसिपेंट ने रेस किया था, तो इस पे कुछ अगर इनसाइट, अगर कुछ डिस्कशन हो रहा है? अभी अभी इस पे मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग अभी इस पे डिसीजन नहीं हो पाया है. मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी गोइंग विद SS1 मॉडल, बिकॉज जैसे वहां हुआ था कि बोगीज वहां से ओवरऑल होके आ जाएंगी फ्रॉम द वर्कशॉप, बिकॉज वो ओवरऑलिंग फैसिलिटी या उसको लिफ्टिंग की या टॉगल की फैसिलिटी मेरे पास नहीं है. बोगी ओवरऑलिंग विल बी डन ओवर देयर एंड बाकी चीजें मैं ही कर लूंगा. बिकॉज मतलब वर्कशॉप वगैरह भी अभी इतने कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि प्रोलिफेट उतना हुआ नहीं है, तो इसके सिस्टम्स वगैरह बाकी लोग उतना अच्छे से जानते नहीं है. तो एज इट इज आई थिंक सो कि SS1 की तरह ही वी विल बी गोइंग फॉर SS2, कि इसका इलेक्ट्रिकल पावर पोर्शन, इसका प्रोपल्शन सिस्टम, इसका HV सिस्टम, इसके PA आइटम्स, वो सब हम यहीं करेंगे.
एंड जो बोगी वाला असिस्टेंस है दैट वी विल बी रिक्वायरिंग फ्रॉम द वर्कशॉप, उसी तरीके का अभी अभी सिस्टम हमने बना रखा है, दैट वी विल बी गोइंग फॉर। बट वंस डिपो तैयार हो जाएगा एक साल में, तब फिर प्लानिंग यही है कि इसको यहीं कुछ टैकल किया जाए, इस तरीके का वी आर प्लानिंग। Yeah, okay, sure. Actually, the whatever model Shagubasti is going to follow, that is only going to be emulated across all the maintenance repos over Indian Railway. Isme to koi doubt nahi hai. So, bhai, isiliye that kind of an insight we require. Actually, most of our participants keep asking ki kaise maintainability, maintenance point of view se kya problems aayenge, aur kya infrastructural requirements rahenge. To wo sari cheeze, obviously, SSB will be the first to implement these things. And then only the others will maybe copy that for the or follow suit. Any other participant would like to ask any other question? I wanted to share one thing ki matlab jaise abhi pucha kisi ne matlab jaise pucha ki mechanical electrical to I feel like ki we should move ahead of this ideology ki electrical hai mechanical hai. और मतलब इसको छोड़ के मतलब वी शुड लर्न ईच एंड एवरीथिंग, मतलब मेरा तो यही मानना है, मतलब इफ आई वुड टेक अ एग्जांपल ऑफ शकूर बस्ती वाज अ शेड मेंटेनिंग द शंटिंग लोकोमोटिव्स एंड वी टुक अ लीड कि मतलब यहाँ स्टीम लोकोमोटिव भी मेंटेन होते थे, उसके बाद शंटिंग आए एंड उसके बाद मेन लाइन लोकोमोटिव्स भी नहीं मेंटेन किए, बट वी टुक अ लीड कि शकूर बस्ती मेंटेन करेगा ट्रेन सेट एंड वी आर मेंटेनिंग इट। सो मेरा यही मानना है और मेरा यही कहना है कि मतलब वी शुड लुक फॉरवर्ड कि इट्स अ रोलिंग स्टॉक और सारी चीजें मतलब उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल छोड़ दीजिए, मतलब वी शुड लुक फॉरवर्ड इट एज अ होल रोलिंग स्टॉक कि उसको कैसे मेंटेन करना है और कैसे क्या क्या सब असेंबलीज हैं जो कि डिफरेंट है रोलिंग स्टॉक से। अभी मैं उस पर नहीं जा पाया हूँ, मतलब नेक्स्ट लेक्चर अभी होगा तो मतलब आई वुड लाइक टू डिस्कस कि ट्रैक्शन मोटर्स कैसे हैं, उसके ट्रैक्शन मोटर साइड से क्या करते हैं या पीए आइटम्स में क्या है, तो वो सारी चीजें मतलब अभी मैंने डिस्कस नहीं की हैं। बट मतलब मेजर जो बॉटलनेक रहेगा फॉर द कोचिंग डिपोज इज द ट्रैक्शन मोटर साइड, कि चलिए एसी और लाइटिंग या पीए आइटम्स तो आप कर ही लेंगे बट ट्रैक्शन मोटर या उस सब की ओवरहॉलिंग कैसे करेंगे वो एक थोड़ा मतलब देखना पड़ेगा। okay, sure. So, one final call. For the participants present in the auditorium, we can take one last question. Okay. So I see that no one has any further questions. So okay, that brings us to the end of this session. Thank you very much, Aishwarya, for being for taking time out of your extremely busy schedule. I was constantly in touch with Aishwarya for the last 2 weeks. We wanted him to come to Jamalpur in person and talk to us about the Train 18 success story, the Shagubasti story. But unfortunately, the workload which he is having, and currently, as far as I know, he has been given the target of completing this the tendering process of making this model depot or making these infrastructural facilities for this train 18. So, okay, ये भी जरूरी है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन इसका जो knowledge है, ये जो know-how है, इसका proliferation, इसका spread dissemination भी बहुत जरूरी है, and इस पर्टिकुलर कोर्स में तो ऐश्वर्य हमने ट्रेन 18 के बस 2-3 ही सेशंस रखे, बट फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग टू हैव अ डेडिकेटेड कोर्स ऑन ट्रेन 18 ओनली। ऑफ कोर्स वी वुड नीड अ वेरी बिग सपोर्ट फ्रॉम शगुरबस्ती डिपो, जिसमें हम कंटेंट वाइज टॉपिक वाइज जैसे आपने ट्रैक्शन बताया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं, मतलब एक दिन प्रोपल्शन हो गया, ब्रेकिंग हो गया, PI items ho gaya, us tarike se major chunks we can discuss in detail. We can discuss and that is what our plan is, so that jo bhi ye knowledge hai before it is implemented across Indian Railways, I think it is one of the prime responsibilities of IRMI to disseminate this knowledge in association with Shagubasti and or maybe ICF or the OEMs. Yeah. Also, we have to take everyone on board and we'll have to propagate this knowledge so that jab ye implement honge other depots mein tab kisi tarike ka कोई भी इशू ना आए मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, वो टेक्निकल नो हाउ रहे। सो थैंक यू वेरी मच ऐश्वर्य, एंड नाउ यू विल बी अ वेरी रेगुलर फीचर
of our course as such train set course as well as the dedicated train 18 course jo hum karenge. So I would request ki aapki availability aur aapka support aur cooperation hame chahiye rahega future mein, and IRMI will be looking forward to it. So thank you Aishwarya for being part of this session, and so that brings us to the end of the session, and now we can the participants can leave for lunch, and we'll gather again at 2:30 for the final session of day 4 of this particular course. So thank you everyone. Have a good thank day. You so much. Thank you Silva. Thank you so much.